Good morning, everyone. Myself is Patel Sarda from SRKP English Medium School, Sukesh. Today I am going to teach in Hindi second standard. तो हम question number 5 अक्षरों को अलग करके लिखे split letters. तो यहाँ गिलास तो यहाँ हस्व प्लस आधा ग प्लस आधा ल प्लस ये कना की मात्रा प्लस स ओके. तो इस तरह हमें ये लेटर को अलग करना है. नेक्स्ट देखिए चिड़िया तो यहाँ हस्व की मात्रा प्लस आधा च प्लस हस्व की मात्रा प्लस द आधा द प्लस य प्लस कना की मात्रा इस तरह स्पेलिंग करना है. नेक्स्ट देखिए नंबर हिरण हिरण में ये हस्व की मात्रा प्लस ह आधा ह ये चिन्ह आपको राइट करना है प्लस र प्लस न ओके. यहाँ र और न में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ र और न ही राइट करना. नेक्स्ट देखिए तितली तितली में ये हस्व की मात्रा प्लस ये आधा त प्लस यहाँ कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पूर्ण त राइट करना प्लस ल प्लस ये दीर्घ की मात्रा ओके. अब आगे देखिए मिठाई मिठाई में भी ये हस्व की मात्रा प्लस यहाँ यहाँ आधा म आएगा तो यहाँ चिन्ह आप कर देना ओके. यहाँ मिस्टेक से रह गया प्लस थ आधा थ प्लस खाना की मात्रा प्लस दीर्घ ओके. तो इस तरह लेटर को स्पिलिट करना है. नेक्स्ट देखिए अक्षर को जोड़कर लिखिए जॉइन द लेटर्स. तो यहाँ अलग अलग जो दिए हैं अक्षर उसे जॉइन करना है त प्लस की प्लस या यानी कि तकिया. नेक्स्ट सी प्लस का प्लस र यानी कि सी का उसे जॉइन करके राइट करना है. नेक्स्ट देखिए सा प्लस ई प्लस की क्या होगा साइकिल. तो हमें क्या करना है अक्षर को जॉइंट करना है ओके. अब आगे देखिए नए शब्द बनाइए मेक न्यू वर्ड्स. यहाँ सर्कल में हस्व की दिया है सर्कल में की दिया है और यहाँ ला रन टैप और घर इस तरह लेटर दिया है ओके. तो हमें क्या करना है की के साथ जॉइंट करके नए शब्द बनाने हैं. तो शब्द क्या बनेगा की ला किरण किताब और किधर. पहले की शब्द की लेटर राइट करके ये जो लेटर है उसे साथ उसके साथ जोड़ना है तो क्या बनेगा किला किरण किताब और किधर ओके. अब आगे देखिए पेज नंबर 6 तो यहाँ हम दीर्घ ई का अभ्यास यहाँ ईद यानी कि सुगर कैन ईसाई क्रिसमस क्रिश्चन सॉरी क्रिश्चन ईद ग्रीक और ईद यहाँ पिक्चर के अनुसार यहाँ शब्द दिए ओके. निर्भयी की मात्रा व्यंजन के बाद निर्भयी को इस तरह लगाई जाती है ये चीजें तो लगाई है इस तरह लगाई जाती है. देखो आधा च प्लस निर्भय की मात्रा क्या होगा ची ची से चिट्टा सी एच डबल ई ए एन सी. नेक्स्ट देखिए आगे नेक्स्ट त कौन सा लेटर दिया है यहाँ त आधा त प्लस दीर्घ की मात्रा क्या होगा ती. दोनों को जॉइंट करके क्या बनेगा कौन सा लेटर ती ती से ती एरो ए डबल आर ओ डब्ल्यू. नेक्स्ट आधा त प्लस ए दीर्घ की मात्रा उसके जॉइंट करके क्या बनेगा खी खी से कौन सा शब्द दिया है खीर एंड इंडियन स्वीट डिश. नेक्स्ट आधा ज प्लस दीर्घ की मात्रा क्या होगा जॉइंट करके जी बनेगा जी से जी टम यू एन जी यू ई टम. नेक्स्ट आधा ड प्लस दीर्घ की मात्रा डी यानी कि गाड़ी यानी कि कार ओके.
अब आगे देखिए, यहाँ जो पिक्चर दिए हैं ये देखिए, यहाँ हाथी, हाथी यानी कि एलिफेंट, ये एलिफेंट हाथी। नेक्स्ट मछली, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मछली। नेक्स्ट माली, यानी कि माली। परी, फेरी, ओके, परी, एफ ए आई आर वाई, परी, फेरी यानी कि परी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, दीर्घ ही स्वर से बने वाक्य, चाची खीर मीठी बनानी है, चाची खीर मीठी बनानी है, रानी की दादी कहानी सुनाती है, नीरज झील से मछली ला, रीता दही लाकर रख, माली पीली शीशी लाया। तो यहाँ जो अल्पविराम दिया है, यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ओके, पढ़ते वक्त, और लास्ट में ये पूर्ण विराम आता है। तो ये सभी में ये दीर्घ ई की मात्रा शब्द में आती है, जैसे कि चाची खीर मीठी बनानी, रानी में नी, ई, डी, नी, टी, ये सभी शब्द में दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा से बने हुए शब्द में, मेरा झील मछली, रीता दही, माली पीली शीशी, ये सभी शब्द में क्या दीर्घ ई की मात्रा समाई हुई है, ओके। हम आगे देखेंगे, अब आगे देखिए, यहाँ दीर्घ ई की मात्रा व्यंजन में किस तरह लगाई जाती है, कैसे दीर्घ ई, ये जो इस तरह की मात्रा है तो सभी व्यंजन में दी गई, उसका उच्चारण कैसा होगा, ई ई ई ई जी ची जी जी ई ई डी डी री ती थी डी धी नी पी फी बी भी मी ये री ली वी शी शी सी थी। तो इस तरह उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाई गई है, उसका उच्चारण इस तरह होगा, ओके, की थी, इस तरह होगा। अब ये जो दीर्घ ई की मात्रा से बने कौन से शब्द दिए हैं, मेरे साथ आप भी रीड कीजिए, ओके, गीला, की कसे दीर्घ ई दसे कानोला गीला, ची धीरज बीज वी खीर झील दीवार मीठा शीला चीता जीवन पीला रीता सीता चीक तीर पीठ लीला और सीर, ओके। तो ये सभी शब्द में ये दीर्घ की ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ओके। अब आगे देखिए, स्वाध्याय, आपको ये शब्द जो दिए हैं उसको रीड करके राइट करना होगा, तो उसमें जी डी मी शी ये सभी शब्द में वी वी धी जी गी सभी शब्द में दीर्घ ई की मात्रा से बने हुए शब्द है, ओके। अब आगे देखिए, स्वाध्याय, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। यहाँ देखिए ये कौन सा पिक्चर है, चीता, तो यहाँ आपको चीता राइट करना होगा, ये क्या है ब्री यानी कि ईट, यहाँ ईट राइट करना होगा, ये एक यानी कि सुगर कैन, एलिफेंट हाथी, तो इस तरह आपको नेम यहाँ राइट करना होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू, नीचे लिखे गए व्यंजनों में दीर्घ ई की मात्रा इस तरह लगाई लगाकर नए शब्द बनाए, गिव ई साउंड टू द कंसोनेंट्स गिवन बिलो एंड मेड न्यू वर्ड्स। यहाँ देखिए, यहाँ जो लेटर दिए हैं, तो लेटर में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं,
बनाने हैं। यहाँ फर्स्ट है लेटर ग, ग से दीर्घ की ला, गीला। कौन सा शब्द दिया है यहाँ? गीला, ग से गीला। नेक्स्ट यहाँ दा दिया है, यहाँ गाड़ी। ओके, द, द से दादी। न, न से रानी या कहानी। ज, ज से जीवन। तो इस तरह जो लेटर दिए हैं उसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाने। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, वचन बदलिए, चेंज द नंबर। यहाँ क्या करना है, एक वचन और बहुवचन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ एक ही होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन किसे कहा जाता है, एक से ज्यादा हो उसे बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ कहानी एक ही है इसलिए एक वचन। तो कहानी का बहुवचन क्या होगा, कहानियां, कहानियां। ओके, एक से ज्यादा हो तो कहानियां। कहानी एटले सो स्टोरी, वार्ता। एक थी वधारे होय ये बहुवचन, अने एक ज होय तो एक वचन। ओके, कहानी का बहुवचन क्या होगा, कहानियां। नेक्स्ट लड़की, एक ही है इसलिए एक वचन। लड़कियां, एक से ज्यादा है इसलिए लड़कियां। अब आगे देखिए, गाड़ी, गाड़ी का क्या होगा, गाड़िया। नेक्स्ट छतरी, छतरिया या छाता भी कहा जाता है। छाता का बहुवचन क्या होगा, छाते, एक से ज्यादा हो तो छाते। ओके, अब आगे आ देखिए, लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर यानी कि जाति। हमें लिंग एटले के जाति, लिंग एटले सो जाति, जातिवाचक शब्द। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग बनाना है। दादी, ये क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो दादी का पुल्लिंग क्या होगा, दादा। नेक्स्ट हाथी, हाथी ये पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, हथिनी। ओके, नेक्स्ट कवि, कवि का क्या होगा, कवियत्री। आपको ये कवियत्री, यहाँ हस्वई आएगा, हस्वई वी में और ये में, और ये दीर्घ है, कवित्री इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट मामी, मामी का क्या होगा, पुल्लिंग मामा। ओके, इसलिए लिंग बदलना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट आंसर्स। चाची को खीर कैसी बनानी है, आंसर क्या आएगा, चाची को खीर मीठी बनानी है। कैसी बनानी है, मीठी। तो आपको ये कैसी की जगह क्या राइट करना है, मीठी। चाची को खीर मीठी बनानी है, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट रानी की दादी को क्या सुनाना है, रानी की दादी को क्या सुनाना है, आंसर क्या आएगा, रानी की दादी को कहानी सुनाना है। क्या की जगह क्या राइट करना, कहानी। नेक्स्ट देखिए, नीरज को झील से क्या लाना है, नीरज को झील से क्या लाना है, नीरज को झील से मछली लाना है। झील, झील यानी कि नीरज को झील से क्या लाना है, मछली। तो क्या की जगह हमें क्या राइट करना है, मछली। तालाब को झील भी कहते हैं। ओके, नीरज को झील से मछली लाना है। ओके, क्या की जगह मछली राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, माली क्या लाया, माली पीली शीशी लाया। क्या की जगह पीली शीशी आएगा। ओके, माली पीली शीशी लाया। ओके, तो इस तरह हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, नए शब्द बनाइए, मेक न्यू वर्ड्स। हमें यहाँ सर्कल दिया है तो हमें क्या करना है, ये शब्द बनाना है जॉइंट करके। तो ये सर्कल में दीर्घ ई जो दिया है और यहाँ जो लेटर दिए हैं तो उसे जोड़कर शब्द बनाना है।
तो कौन से शब्द बनेगा? ईद, ईद, ईट, ईजा, ईसाई और ईसा। उसे ई के ई पहले लिखकर उसे दूसरे लेटर को जॉइंट करना है। ओके, कौन सा शब्द बनेगा? ईद, ईट, ईजा, ईसाई और ईसा। ओके, तो इस तरह आपको क्या करना है? नए शब्द बनाने हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा? तो यहाँ हमारा एकदम पूर्ण होता है, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।